वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द पोएट्री चाइल्डहुड। चाइल्डहुड पोएट्री को लिखा है मार्कस नैटन नाम के राइटर पोएट ने। यहाँ पे वो बताते हैं कि उनकी चाइल्डहुड का क्या सिग्निफिकेंस था और इस पोएट्री को उन्होंने 4 पैराग्राफ्स में लिखा है। लेट अस डिस्कस द पोएट्री पैराग्राफ वाइज। द पोएट्री बिगिंस विद अ क्वेश्चन, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो? वाज इट द डे आई सीज टू बी 11? वाज इट द टाइम दैट आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी एंड देयरफॉर कुड नॉट बी? वाज दैट द डे? तो फर्स्ट पैराग्राफ में पोएट यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड को, मेरा बचपन कब गया? क्या वो दिन था जब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं 11 साल का था, और जब इसको ये रियलाइज हुआ कि हेल और हेवन जो जगहें हैं वो ज्योग्राफी की बुक्स में पाई नहीं जा सकती हैं, देयरफॉर उनका एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है। यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है वाज इट द डे आई सीज टू बी 11। सीज टू बी 11 मतलब केम टू एन एंड, जब वो 11 साल का हो चुका था। तब क्या वो दिन था जब उसको रियलाइजेशन हुआ कि क्या उसका बचपन जो है वो जा चुका है? Again he starts the paragraph with a question, when did my childhood go? Was it a time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love but did not act so lovingly. Was that the day? वो कहता है क्या वो time था जब उसको realization हुआ कि बड़े होना वैसा नहीं है जैसा दिखता है, क्योंकि बड़े लोग प्यार की बातें करते हैं, प्रीच करना मतलब होता है टॉक और स्पीक करना, मतलब उसके बारे में प्रचार करना, बट कहीं ना कहीं वो इतने अच्छे से रिएक्शन नहीं देते हैं, वो अच्छे लोगों से प्यार नहीं करते हैं। क्या वो दिन था जब उसको रियलाइज हुआ कि चाइल्डहुड उसका बचपन कहीं ना कहीं जा चुका है, उसके अंदर एक मैच्योरिटी आ चुकी है? व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो? वाज इट व्हेन आई फाउंड माय माइंड वाज रियली माइंड टू यूज व्हिचएवर वे आई चूज, प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल बट माय ओन अलोन? वाज दैट द डे? क्या वो समय था जब उसको रियलाइज हुआ कि उसका दिमाग उसका खुद का है और वो चूज कर सकता है कि उसको क्या सोचना है और उसको खुद के ख्याल प्रोड्यूस करने की इजाजत है और उसका जो भी कॉन्शियस उसको अलाउ करेगा, वट एवर ही थिंक्स ही कैन डू? लास्ट पैराग्राफ में एक चेंज देखते हैं। अभी तक पोएट का क्वेश्चन था व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, अब वो बोलता है वेयर डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ गया? अभी तक ये था व्हेन कब गया, अब ये है कहाँ गया? इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस दैट ऑल आई नो। तो यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे पता है कि मेरा जो बचपन है वो कहीं ना कहीं एक इन्फेंट होता है 0 to 6 months का एक बच्चा, उसके चेहरे में जाके कहीं ना कहीं छुप गया है। तो वो इन्फेंसी की बात करता है, तो उसको एक रैशनलिज्म का रियलाइजेशन होता है, एक रियलिस्टिक व्यू समझ में आता है कि बचपन उसका कहाँ गया। आई होप मेरा ये वीडियो आपके काम आए हो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू अवर चैनल टू कीप अस मोटिवेटेड। थैंक यू।